अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूँ आपका अपना आदिल रियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो जनाब, आप लोग अभी मेरा बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे मकान का कि मैं किस वीडियो में आज क्या होगा। तो ज़ाहिर है, मैं आज लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि नीचे का फ्लोर इसका, आज मैं इसका ऊपर का फ्लोर दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग मौजूद हैं गुलशन-ए-मैमार के सेक्टर Q2 में, 40 फीट रोड के ऊपर। वगैरह के टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भाई नीचे कॉमेंट करो, व्हाट्सअप करो, आपको भाई आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जनाब ये हमारा 120 Sq.Yards का मकान, लास्ट टाइम मैंने इसकी आपको वीडियो दिखाई थी नीचे वाले फ्लोर की। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऊपर वाला फ्लोर। और उस दिन मैंने आपको दिखाया था ये रात का मंज़र, अब ये दोपहर का मंज़र, तो आपको आइडिया हो जाए। और ये देखें, ये इसका रोड भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 40 फीट रोड है। अब अंदर चलते हैं, इसकी वीडियो दिखाते हैं मैं आपको प्रॉपर। अच्छा, तो भाईजान अभी हम लोग यहाँ पर टेरेस पे मौजूद हैं। एक दो दिन पहले हमने आपको इसकी ग्राउंड फ्लोर की पूरी वीडियो दिखाई थी, अभी हम आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हैं कि ये ऊपर किस तरह का बना हुआ। तो बगैर टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं टेरेस पे 16x16 की टाइल लगी हुई है। मैंने एक दो वीडियो में आपको बताया था कि टेरेस पर कौन सी टाइल लगानी चाहिए, टेरेस पर हमेशा 16x16 की टाइल लगती है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे स्टेप हैं। अच्छा, ट्रॉपिकल के साथ हमने वाइट कलर दिया है, वाइट कलर का राइज़र दिया है, ये राइज़र कहते हैं। और इसके साथ यही अच्छा लगता है, अगर आप ब्लैक का कंट्रास्ट दोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी मैं आपको अंदर फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा मेन टीवी लॉन्च का रास्ता है यहाँ से, और ये विंडो है जो कि किचन में ओपन हो रही है। अभी हम लोग ड्राइंग रूम से एंटर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये 2x2 की टायर, वही सेम जो नीचे लगी हुई थी। देखिए ये फॉल सीलिंग, अच्छा नीचे की फॉल सीलिंग और ऊपर की फॉल सीलिंग में डिफरेंट है, बट कलर हमने सेम किया है। ये चारकोल कलर है, बट ऊपर नीचे फॉल सीलिंग जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता चलूँ कि नीचे का जो फ्लोर होता है और ऊपर का फ्लोर होता है वो हमेशा सेम होता है, यानी कि दीवार के ऊपर दीवार आती है, पिलर के ऊपर पिलर आता है। दो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, एक तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरे ऊपर वाले फ्लोर का कलर चेंज कर दें दीवारों का, किचन के कैबिनेट का, या फ्लोर की टाइल तब्दील कर दें, ये हमारे ऊपर होता है। लेकिन हम लोग जो फॉर सेल का मकान है, हम लोग इस तरह के नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ। अच्छा, ये देखें, ये डिवाइडर, नीचे का डिवाइडर और ऊपर का डिवाइडर बिल्कुल चेंज है। और ये फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग भी चेंज है। अच्छा, ये असल मेन चीज़ जो है हमारा किचन, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ये 8 फिट का डोर है यहाँ पर, इसको मैं ज़रा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैं ज़रा आपको ओपन करके दिखा दूँ, ये यहाँ से टेरेस का मंज़र है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों को प्रॉपर किचन दिखाऊँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किचन की कैबिनेट के कलर चूज़ करते हुए हमेशा आप खुद जाइए, मार्केट जाइए, विज़िट कीजिए, सिर्फ यूट्यूब पे नेट पर देखकर मत जाइए कि यार ये अच्छा लग रहा है। नहीं, आप इस तरह नहीं करें, बहुत से कलर चूज़ नहीं करना चाहिए जो कि नेट पर अच्छे लग रहे होते हैं, यूट्यूब पर अच्छे लग रहे हैं। वो अच्छे किस लिए लगते हैं, क्योंकि वो या तो उनकी वीडियो ऐसी बनी होती है कि बहुत ज़्यादा हैवी कैमरा होता है, लेंस उनके बहुत हैवी होते हैं, या फिर DSLR से उनकी पिक्चर बनी होती है। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने खुद अपनी आंखों से जाकर देखना है, कलर सेलेक्ट करना है कैबिनेट का। अच्छा, इस पर भी हमने क्या किया है, सेम वाइट टाइल के साथ हमने कलर चूज़ किया है। वाइट टाइल के साथ आप कोई भी कैबिनेट लगाओगे तो वो अच्छा लगता है हमेशा। अच्छा, इसमें कैबिनेट के आपके मैं डिफरेंट कलर दिखा दूँ, इसमें ब्लू कलर भी है, थोड़ा ब्राउन का टच भी आ रहा है, और स्काई ब्लू भी है, यानी कि बहुत सारे कलर हैं इसमें, और लेकिन डिसेंट कलर हैं। ऐसे कलर हैं कि आपको, अगर आप इसको 5 मिनट में देखते रहोगे ना इस किचन को, तो आपको किचन जो है आंखों में दर्द नहीं होगा, ना आपको इसको देख के गुस्सा आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे कुछ जो व्यूवर्स जो हमें देख रहे होंगे वो शायद कह सकते हैं कि यार ये हमेशा कहता है रेड कलर नहीं लगाना चाहिए किचन में, तो गुस्सा कैसे आएगा। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि रेड कलर नहीं लगाना चाहिए, रेड कलर लगाना चाहिए, लेकिन इसके साथ आप कंट्रास्ट दो, उसके साथ आप वाइट कलर दो, वाइट कलर का कॉम्बिनेशन ज़रूर दो। मतलब एक अगर रेड है तो साथ में वाइट लगाओ, अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो रेड घुमाओ, नीचे वाला बॉर्डर जो है वाइट घुमाओ, और जो किचन है, किचन की टाइल है उसको वाइट रखो। और अगर फर्श करो, आपका किचन है 120 गज का, और अगर आप उसको पूरा का पूरा रेड कर दोगे तो भाई फिर तबाही होंगी घर में, मतलब घर में फिर लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि वो जो है आपके दिमाग पर असर पड़ता है। अगर आपको YouTube पे जाके सर्च भी कर लोगे ना कि रेड कलर कैसा होता है, मतलब रेड कलर के साइड इफेक्ट क्या है, तो वो आपको बताएगा। रेड कलर जो है पावर की निशानी है, मतलब अच्छा भी लगता है, शुरू में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इंसान को गुस्सा आने लगता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आप YouTube पे जाके सर्च करो, अच्छे अच्छे मतलब साइंटिस्ट ने कहा है, अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है कि
रेड कलर जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन चूज़ करो, खाली रेड कलर नहीं लगाओ। हाँ एक और कलर होता है, ब्लू कलर होता है, स्काई ब्लू होता है, वो है अमन की, मतलब पीस, कूल, ये कूल कलर है। मतलब इनको देख के ना आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आपका माइंड अच्छा हो जाता है। तो इस तरह के कलर आपने चूज़ करना है। ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर भी अच्छा लगता है। अच्छा ये आप लोग यहाँ पर देखो, नीचे भी हमने कवर दिए थे पूरे पूरे, यहाँ भी हमने कवर दे दिया, सिंपल वे फॉल सीलिंग हमने की है यहाँ पर। टाइल यहाँ पर भी 2x2 की लगाई हुई है। इसका मैं आप लोगों को ज़रा वॉशरूम दिखा दूँ। अच्छा वॉशरूम ऊपर नीचे हम लोग सेम लगाते हैं हमेशा, बस हमने ये आईना जो है ये चेंज कर दिया, और इसमें जो है वाइट कलर की हमने WC दी है। अच्छा वाइट कलर हम क्यों चूज़ करते हैं, वाइट कलर हम कोशिश करते हैं ऐसी टाइल पसंद करें जिसके साथ वाइट कलर के बेसन आ जाए ऐसे, और नल भी आ जाए, तो ये अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। अच्छा इसमें भी बड़ी मसले मसाले होते हैं कि अगर आप लोग कोई ऐसी फजूल सी टायर पसंद कर लोगे तो उसके साथ फिर नल नहीं मिलते। नल मतलब के जो सिंक मिक्सर होते हैं ये सब चीज़ें कभी भी मैच नहीं करते। बेसन हो गया और शावर हो गया, मतलब जो नल होते हैं पूरे, वो कभी मैच नहीं करते, चाहे आप जो भी कर लो, हमेशा उनमें डिफरेंस आता है, 19-20 का आता ही आता है। अच्छा यहाँ पर हमने एक विंडो दे दिया ताकि इसमें एग्जॉस्ट का इशू ना हो, पीछे से आराम से वेंटिलेशन हो जाए। अच्छा ये भी मैं आप लोगों को रूम दिखा दूँ एक नज़र, ये देखें सेम, इसमें भी हमने कवर लगा दिए। अच्छा इसमें भी हमने एक में कमोड सिस्टम है और एक में टाइल, एक में WC है। अच्छा आप देख रहे हैं ये वाइट का कॉम्बिनेशन, हमने टाइल इस तरह की पसंद की कि वाइट कलर इस पर अच्छा लगे। अच्छा ये चीज़ है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर। अच्छा बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर ये सिस्टम नहीं देते जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं पीछे वॉशिंग एरिया में आया हूँ, मतलब नीचे का जो वॉशिंग एरिया है तो ऊपर वाले फ्लोर पर आया हूँ। बहुत से लोग ये चीज़ नहीं देते, वो क्या देते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। अच्छा ये पीछे का वॉशिंग एरिया के ऊपर का हिस्सा है कि इसमें छोटे मोटे कोई कपड़े वपड़े तो बोल धुल जाएँ, और ये गीज़र का पॉइंट हमने दे दिया। अच्छा बहुत से लोग जो है ना पीछे की तरफ वॉशिंग एरिया नहीं बनाते, वो पीछे पूरा डक दे देते हैं वेंटिलेशन के लिए। लेकिन आप जो हमारा तरीका ये है कि हम पीछे जो है वॉशिंग एरिया छोटा मोटा बना देते हैं कि यार क्योंकि ऊपर वाले वॉशरूम में कपड़े नहीं धो सकते चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम बना देते हैं क्योंकि ये और बनाना भी चाहिए। अच्छा तो मैं आप लोगों को ज़रा किचन के बारे में बता रहा था, तो कुछ लोग आ गए थे। अच्छा ये देखो ये आप हमारा किचन देख सकते हो, सिंपल सा किचन है, किचन को जितना सिंपल रखोगे उतना उठेगा। वाइट कलर के साथ ये कैबिनेट हमारे। अच्छा इसमें आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर के, ब्लैक इस्तेमाल किए गए यहाँ पर, ठीक हो गया ब्लैक। अच्छा ये ब्लैक इससे मैच करता है, जब भी ब्लैक दिया, वरना हम यहाँ पर सिल्वर भी दे सकते थे और भी डिफरेंट कलर के आए हुए हैं, लेकिन इसमें ब्लैक कर रहे हैं मैच और ब्लैक अच्छा भी लग रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। मैंने कलर के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है, कौन से कलर सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से कलर सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रंट एलिवेशन बना देते हैं, उस पर इतने कलर कर देते हैं ना मतलब कि वो गोलाखंड हो जाता है, और कुछ टाइम बाद पता चलता है वो कलर फिर चेंज हो जाता है। अच्छा मैंने ऐसे बहुत से मकान देखे हैं कि उन्होंने फ्रंट के कलर चेंज किए हैं, पहले कलर इतने बुरे लग रहे थे ना कि अल्लाह माफ़ करे। 240 के मकान के ऊपर ना लोगों के मकान देखे मैंने, टी में देखा है, और लेकिन जब बाद में उन्होंने कलर किया तो सबसे प्यारा मकान गली में वही लग रहा था। तो कलर कंट्रास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग कौन सा कलर चूज़ करो, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के लगा दो। अच्छा ये रेलिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर ग्रुप दिया ना, ग्रुप को हमने वाइट रखे और साथ में ब्राउन कलर की ये जो झीरी जा रही है जो अंदर ग्रुप है इसमें ब्राउन कलर किया, यानी कि सिंपल कलर किया है, फॉल सीलिंग पे सिंपल कलर किया है, हर चीज़ हमने सिंपल रखने की कोशिश की है ऐसा। अच्छा तो जनाब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर दिखाया था, तो अभी फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसकी छत दिखाना ही बनता है, तो अभी हम आप लोगों को ज़रा छत का दिखा दें और साथ के इर्द गिर्द का मैं ज़रा आप लोगों को मंज़र भी दिखा दूँ। अच्छा ये आप छत देख सकते हैं, यहाँ 12x24 का मार्बल लगा हुआ है, ये आप हमारे सामान को इग्नोर कर दें यहाँ पर। अच्छा टैंकी ज़मीन से 2 फीट उठा के बनाई गई है, और ये जनरेटर का पॉइंट है ऊपर वाले फ्लोर का, यानी कि इन केस कल को फैमिली ऊपर नीचे सेपरेट होती है तो जनरेटर अलग अलग हो सकता है। ये आप हमारा फ्रंट का, मैं ज़रा आप लोगों को ज़रा रोड दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखें ये 40 फीट का रोड है, और अगर बैक साइड की बात की जाए तो इसके बैक साइड पर 240 गज़ है और उसके सामने 150 फीट रोड है। अच्छा तो जनाब हम वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन लोगों को अपना घर नसीब हुआ जिन को अपना घर नहीं है ज़िंदगी, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं किस तरह रोस्टिंग की तरफ भी आ जाऊँ, तो मैं लगा हुआ हूँ,
देखो कब मैं रोस्टिंग रोस्ट करता हूँ किसी को, वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मुझे कुछ चीज़ें पहले देखनी है कि वो किस तरह से रोस्ट करते हैं लोग, तो मैंने उन लोगों की वीडियो डाउनलोड की हुई हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाएंगे, हम आपको कंस्ट्रक्शन भी ज़रूर दिखाएंगे, ताकि और दूसरे लोग अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कॉमेंट कर दो, या आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लगानी चाहिए। बस ये चीज़ें होती हैं नोट करने वाली। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा ना कि मकान में क्या चीज़ लगानी है और कहाँ से सही मटेरियल परचेज़ कहाँ से करना है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, जो आपके साथ दुआ में तो मैं सबको कर चुका हूँ। फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।